शुरू करेंगे प्रहलाद जी? यस ठीक है, मैं एक सेकंड में, बस एक मिनट में आईएलए के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडिया लेवल पे लॉयर्स के लिए काम करता है, और हम तरह तरह के इवेंट्स, वेबिनार्स, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जहाँ पे लोग एजुकेशनल चीज़ें शेयर कर सकते हैं, नेटवर्किंग हो सकती है, कोई कोई तो सोशल इवेंट्स भी करते हैं, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, कोविड का वैक्सीन कैंप हो गया, तो उस तरह की भी एक्टिविटीज होती है हमारे यहाँ पे। अभी भारत में इसके 70 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, और भिलवाड़ा हमारा एक नया चैप्टर है जो प्रहलाद राय व्यास जी के नेतृत्व में बना है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे स्पीकर को कि वो आज की टॉपिक पे हमें कृपया करके कुछ सिखाएं। नमस्ते सभी साथियों को। उपभोक्ता आंदोलन हम सब लोगों के लिए कोई नया आंदोलन नहीं है। जिंदगी में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आदमी वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है। वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते समय उसके मन में कई अपेक्षाएं होती हैं, कई जिज्ञासाएं होती है, कई उसके जीवन में जरूरतें होती है, कई उसको सुविधाओं की जरूरत होती है, कई बार वह अपने ऐश्वर्य के लिए भी वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है। तो दुनिया में जितने भी उपभोक्ता हैं वो तीन मुद्दों पर वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते हैं, जरूरत के लिए, सुविधाओं के लिए और ऐश्वर्य के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते हैं। वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति कीमत के बदले वस्तु और सेवाएं खरीदता है, और वस्तु सेवा और जो खरीदता है वह चाहता है कि उसको सुरक्षा मिले, उसको संरक्षण मिले। जिस उद्देश्य के लिए उसने वस्तु और सेवाएं खरीदी है उसमें उसको एक संतुष्टि मिले। संतुष्ट उपभोक्ता दुनिया के बाजार की ताकत है, और असंतुष्ट उपभोक्ता बाजार के विनाश का कारण बन सकता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जब व्यक्ति वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है तो उसकी कई तरह की अपेक्षाएं होती है, कई उसके मन में संकल्प होते हैं। उपभोक्ता के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो व्यापार है, पूरा उद्योग जगत है, वाणिज्य जगत है, वह उपभोक्ता की मनोविज्ञान पर टिका हुआ है। उपभोक्ता के मन में हो रहे तूफान पर टिका हुआ है, उसके मन में हो रहे उथल पुथल पर टिका हुआ है। उपभोक्ता जब चाहे किसी भी वस्तु और सेवा को रिजेक्ट कर देता है। आज हमको समझना पड़ेगा कि वस्तु और सेवाएं व्यक्ति क्यों खरीदता है। सबसे बड़ी बात यह है, जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं संपत्तियों की सुरक्षा। व्यक्ति जीवन, स्वास्थ्य और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल करता है। हमने देखा हिंदुस्तान के अंदर खाद्य अपमिश्रण कानून 1954 में बना, क्या हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं की मिलावट से निजात मिली? हम यदि विचार करेंगे तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितनी खाद्य वस्तुओं में मिलावट हो रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। उसी तरीके से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का जो उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उससे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। वह जिस तरीके की उम्मीद लेके उन वस्तुओं का उपयोग करता है उनसे उसको वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी उससे उम्मीद की गई थी। इसी तरीके से हम देखेंगे ड्रग्स का उपयोग करते हैं हम लोग, जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी वो गुणवत्ता नहीं है जिसकी वो दावा करते हैं। तो हमने कई बार देखा कि बस मेडिसिंस का उपयोग करने से रिएक्शन जो होते हैं, और उस तरीके से जो उपभोक्ताओं को अपने जिंदगी और स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ होता है, ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। आज हम देखते हैं कि बीपीएल उपभोक्ता, जिसको हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल उपभोक्ता हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में 80 करोड़ 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाद्य सुरक्षा की जरूरत है।
खाद्य सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान का 80% व्यक्ति अपनी आय से, अपने इनकम से अपने जरूरी संसाधन नहीं खरीद सकता है, इसीलिए उसको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, आवास, पर्यावरण, ऊर्जा के संसाधन, ये सब हमारे लिए चिंता का और चिंतन का विषय है। जब तक उपभोक्ताओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, आवास, पर्यावरण और ऊर्जा के संसाधन उसकी खरीदने की क्षमताओं में नहीं मिलेंगे, तब तक उपभोक्ता के साथ में न्याय नहीं हो सकता है। कानून बना देने मात्र से हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर के उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल सकता है? केवल निर्णय मिल सकते हैं, निर्णयों से न्याय नहीं होता है। न्याय का जो संबंध है वो सत्य से है, विवेक से है, तर्क से है। नेचुरल जस्टिस की हम जब बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पक्षकारों के साथ में एक निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। उपभोक्ता लंबे समय तक उपभोक्ता अदालतों के या मंच और आयोगों के चक्कर काटता है, तब भी उसको समय पर न्याय नहीं मिलता। सस्ता न्याय, शीघ्र न्याय और सुलभ न्याय की हम बात करते हैं। 86 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उससे पहले भी कई तरह के कानून रहे। भारतीय मानक ब्यूरो जिस तरीके से अनिवार्य रूप से वस्तुओं के प्रमाणन की बात करता है, जिस तरीके से स्टैंडर्ड की बात करता है, आज वस्तु और सेवाएं हमको उस स्टैंडर्ड के नहीं मिल रहे हैं जिस स्टैंडर्ड की उम्मीद की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करता है, वह निर्माता, उपभोक्ता, सेवा प्रदाता के बीच में एक कॉमन पर्सन के रूप में हमारे बीच में मौजूद है, उसकी जिम्मेदारी है और वो इस दायित्व को विनम्रता पूर्वक निर्वाह भी कर रहा है कि वह देश के उपभोक्ताओं को नहीं, दुनिया भर के उपभोक्ताओं को वह एक क्वालिटी प्रोडक्ट देने का भरोसा दिला रहा है। आज हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण विषय है यही है। आज हिंदुस्तान के बाजार के अंदर अप्रामाणिक वस्तुएं, घटिया वस्तुएं और जिस उपयोग का वो दावा करते हैं उस उपयोग के लिए अनुपयुक्त वस्तुएं बाजार के अंदर उपलब्ध है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 जो आपका 86 में आया था, उसमें उपभोक्ताओं की उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। उपभोक्ताओं ने जो उम्मीद की थी, अपेक्षाएं की थी, वो पूरी नहीं हुई। आज भी हिंदुस्तान के उपभोक्ता की परचेजिंग कैपेसिटी, खरीदने की जो ताकत है, वो नहीं बढ़ी है जो बढ़ना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण कानून आज हमारे सामने कंज्यूमर्स की परचेजिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहा है जिस उम्मीद के साथ की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों के माध्यम से कहा कि हिंदुस्तान की एक परिवार की न्यूनतम आय 18,000 रुपये मासिक होना चाहिए। 5 आदमी के परिवार में यदि 18,000 रुपये उस परिवार की आय नहीं है तो वो राइट टू डिग्निटी, गरिमा के साथ में अपना जीवन नहीं जी सकता, इज्जत और सम्मान के साथ में अपना जीवन नहीं जी सकता। यदि देश का उपभोक्ता यदि इज्जत और सम्मान के साथ नहीं जी सकता है तो यह हमारे लिए कानून में और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बिंदु पे या भारत के संवैधानिक अधिकार के बिंदु पर चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। क्या हम देश के उपभोक्ता को राइट टू डिग्निटी नहीं दे सकते? और राइट टू डिग्निटी की पहली शर्त है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी वो होनी चाहिए जो एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी है, और आज की तारीख में हमारे लिए यही चिंता का विषय है। नया संरक्षण कानून आया है जो 2019 के अंदर लागू हुआ है, और इस कानून का जो उद्देश्य है वो एक ही है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना। आज विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं के मन को विचलित किया जाता है, जरूरतें पैदा की जाती है, उपभोक्ता की उम्मीद जगाई जाती है, पर कई बार वह वस्तु वह सेवा उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है, उस आकांक्षा पे खरी नहीं उतरती है, वह उसकी जरूरत के हिसाब से खरी नहीं उतरती, वह सुविधाओं का जो दावा करती वो सुविधाएं उसके पास नहीं होती है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और नया कानून क्या उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है
या उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जिसका गठन किया गया है धारा 10 के अंतर्गत, क्या प्राधिकरण देश के उपभोक्ताओं की उम्मीद पर खरा उतरेगा? क्योंकि उससे पहले भी इस देश में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद रहे हैं, राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद रहे हैं, जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद रहे हैं। पर मैं बहुत दुख और तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, उन संरक्षण परिषदों में भी राजनीतिक आधार पर भी नियुक्तियां हुई है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उपभोक्ता संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, जो वे उनके लिए काम करने वाले लोग हैं, उपभोक्ताओं के साथ जीने वाले लोग हैं, उपभोक्ताओं के संघर्ष में संलग्न रहने वाले लोग हैं, उनको जब तक उपभोक्ता संरक्षण परिषदों में, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में स्थान नहीं मिलेगा, और उनको हम जब तक साथ मिले के नहीं चलेंगे, तब तक उपभोक्ता के हित सुरक्षित नहीं हो सकते, उपभोक्ता के अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते, उपभोक्ता कल्याण सुरक्षित नहीं हो सकता, उपभोक्ता की उम्मीद और आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। कई बार कहा जाता है, कहां तो तय था चिराग हर घर घर के लिए, आज चिराग नहीं मैसर पूरे शहर के लिए। ये हम बात करते हैं 1947 से लेके 2022 तक की हम बात करते हैं। 1990 के बाद में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक ग्लोबल इकोनॉमी में तब्दील हो गई है, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई है। खुले बाजार की अर्थव्यवस्था ने एक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी नहीं दी है, एक अंतर्राष्ट्रीय हमारे को कल्चर भी दिया है। जब तक हम दुनिया भर के उपभोक्ताओं को साथ लेके उनके अधिकारों की बात नहीं करेंगे, उनके मर्म की बात नहीं करेंगे, उनके मन में हो रहे उतार चढ़ाव को नहीं समझेंगे, तब तक हम बाजार को भी सुरक्षित नहीं कर सकते। आज हमारे लिए यही चिंता का विषय है। इसी तरीके से कहा गया उपभोक्ता संरक्षण परिषद को भी हमें मजबूत करने की जरूरत है, उसी तरीके से उपभोक्ता जो प्राधिकरण का गठन किया गया है उसको भी मजबूत करने की जरूरत है। धारा 16 के अंदर कलेक्टर की इसमें शक्तियां दी गई है, तो प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि अनुचित व्यापार व्यवहार को रोके। दूसरी चीज, फर्जी विज्ञापन जो गलत विज्ञापन है, जो वस्तु और सेवाओं के बारे में जो दावा करता है, और यदि वो वस्तु और सेवाओं में वो उपलब्ध नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होना चाहिए। ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी। प्राधिकरण की जिम्मेदारी ये भी है कि वह देश भर के उपभोक्ता संगठनों को साथ लेके, उनको विश्वास में लेके, उनकी कार्यशालाएं करके, उनके प्रस्तावों को इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए लोगों को न्याय प्रदान करावे। जब तक उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम देश के उपभोक्ताओं की राष्ट्रीय विकास में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो मेरा यह निवेदन है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का जो प्रोविजन धारा 10 में किया गया है, ये प्रोविजन केवल प्रोविजन बनकर न रह जाए। जब तक उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर यह प्राधिकरण खरा नहीं उतरेगा, तब तक हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि प्राधिकरण लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। प्राधिकरण की वैसे शक्तियां काफी विस्तृत है, धारा 18 में बताई गई है, पर महानिदेशक रेंज के कई अधिकारी लगेंगे, एक मुख्य आयुक्त और उसके अधीन कई आयुक्त भी लगेंगे, रीजनल ऑफिसर्स भी लगेंगे, जिला कलेक्टर के माध्यम से वह अनुसंधान और जांच भी कर सकेंगे। परंतु क्या इतना सब होने के बाद भी उपभोक्ताओं को हम सही और वस्तु और सेवाएं दे पाएंगे? ये हमारे लिए आज भी सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। हम बात करते हैं सेबी की, सिक्योरिटी मार्केट की। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सिक्योरिटी मार्केट में सेबी के होते हुए भी आज उपभोक्ता कई बार, निवेशक अपना आप को ठगा महसूस करता है, कई बार वह अपना आपको परेशान महसूस। वायदा व्यापार की जब हम बात करते हैं, तो वायदा व्यापार में भी कई तरह की अनियमितताएं होती है ब्रोकर और सब ब्रोकर के माध्यम से, और निवेशक को उस अनुचित व्यापार व्यवहार का सामना करना पड़ता है, अनुचित सेवाओं का उसको शिकार होना पड़ता है। आज जिस प्रकार से ई बैंकिंग की हम बात करते हैं, ई बैंकिंग के बाद भी आज उपभोक्ताओं की ठगी ज्यादा हो रही है। बैंक खाते में पैसा होने के बाद भी यदि कोई अकाउंट को हैक करके पैसा उसके खाते से निकाल लेता है, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ये कह देते हैं कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये एक हमको सोचना पड़ेगा।
क्या हिंदुस्तान के निवेशक ने एफडीआर करा के गलती की, क्या वहां पे बचत खाता खुला के उसने गलती की, क्या उसने चालू अकाउंट खुला के उसने गलती की, तो हमारे को सोचना पड़ेगा कि जब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा कि उसके पास जो उसने निवेश किया है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको सुरक्षा प्रदान करना उसका दायित्व है और वो किसी भी तरीके से उस दायित्व से नहीं बच सकता है। इसी तरीके से हम बीमा इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। आज बीमा इंस्टीट्यूशन बीमा करते समय बहुत सक्रिय होता है, बीमा प्रस्ताव को बनाते समय भी बहुत सक्रिय होता है। जब उसको बीमा राशि का भुगतान करने का समय आता है तो वो कहता है कई तथ्य और सूचनाएं हमसे छुपाई गई। क्या जब बीमा प्रस्ताव सामने आता है, प्रस्ताव को जब स्वीकार करता है, उस बीच में क्या उतना समय नहीं होता है कि वो अनुचित बात को वो वहीं उठा ले, क्या सूचनाएं छुपाई गई है, क्या वो उसकी जानकारी में नहीं आती है। कई बार वो लाइफ इंश्योरेंस करता है, मेडिक्लेम करता है, उसका मेडिकल जांच भी कराता है, उसके बाद भी कहता है कि कई बीमारियों को उसे छुपाया गया है। तो मेरा मतलब यह है कि बीमा कंपनियों को भी क्लीन हैंड आना पड़ेगा, साफ सुथरे आचरण के साथ आना पड़ेगा। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, बीमा इंस्टीट्यूशन है, यातायात के संसाधन जिसमें रेलवे है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका रेलवे से जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, आज प्राइवेट सेक्टर की जितने भी बस सर्विसेज है वह असुरक्षित है। उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी कई बार नहीं होता है और रोड पर वो गाड़ियां एक बुलडोजर की तरह घूमती हुई नजर आती है, न फिटनेस है, न उनके कागजात पूरे होते हैं, कई बार तो बीमे के कागजात भी नहीं होते हैं, कई बार चेसिस नंबर अलग होता है, इंजन नंबर अलग होता है। ऐसी गाड़ियां भी इस देश में सड़कों पर घूम रही है। क्या राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जिम्मेदारी देश में सुरक्षित सड़कें उपलब्ध करवाने की नहीं है? आज भी हिंदुस्तान में 6 लेन 4 लेन के टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, पर 6 लेन और 4 लेन की जो सड़कें हैं उसकी क्वालिटी वो नहीं है जिसका वो दावा करते हैं और उनसे हैवी टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। हैवी टोल टैक्स देने के बाद भी यदि सड़कें सुरक्षित नहीं है, आवारा पशुओं का नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पर जिस प्रकार से जमावड़ा है और उसके कारण जो देश भर में दुर्घटनाएं होती है और उसके कारण क्या राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? स्थानीय शासन, पंचायत राज शासन क्या अपनी जिम्मेदारियों से बच सकता है? देश में हो रही दुर्घटनाएं और सड़कों की असुरक्षा ये चिंता का विषय है। केवल हेलमेट लगा देने से उपभोक्ता के सिर की सुरक्षा तो हो सकती है, पर समाज के अंदर यह चिंता और चिंतन का विषय है, क्या हमारी सड़कें गुणवत्ता युक्त है? आज भी हमने देखा होगा अनऑथराइज्ड स्पीड ब्रेकर जो बनाए जाते हैं, गैर तरमीम से जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं उसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं होती है, जो भी आदमी चाहता है अपने प्रभाव से वहां स्पीड ब्रेकर बनवा देता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। आज रियल एस्टेट की हम बात करते हैं तो स्थानीय शासन, नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, वह लोगों से पट्टे की फायदे तो इकट्ठी कर लेता है पर वो उनको पट्टे जारी नहीं करता है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब वो खुद एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है कि हम आपको पट्टे जारी करेंगे, सब कागजात कंप्लीट होते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं, तब भी किसी किसी कारण से उनको समय पे पट्टे जारी नहीं होते हैं और समय पे पट्टे जारी नहीं होने से वह बैंकों से लोन नहीं ले सकते हैं और उनको अवैध निर्माण कराना पड़ता मजबूरी में। ये मानवाधिकारों का उनका उल्लंघन, आवाज जैसी समस्या पे हमको चिंता करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं एलपीजी गैस की, पेट्रोलियम पदार्थों की। क्या पेट्रोलियम पदार्थों पर जिस प्रकार से टैक्स वसूल किया जा रहा है, क्या ये उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं? क्या ये जीएसटी के दायरे में नहीं आ सकता था? आज जिस प्रकार से खुले बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों को रख छोड़ा है भारत सरकार और राज्य सरकारों ने, क्या ये उपभोक्ताओं के साथ में अन्याय नहीं है? उपभोक्ताओं का शोषण नहीं है? उपभोक्ताओं के साथ में गैर बराबरी और उसके साथ में पीड़ा और विपरीत परिस्थितियों में जीने के हालात पैदा नहीं कर रहे हैं? ये हमको सोचना पड़ेगा। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं,
ई कॉमर्स के कारण आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको विभिन्न एजेंसी से विभिन्न कंपनियों का माल खरीदना पड़ता है, चाहे अमेजन हो, चाहे आपका स्नैपडील हो, या आपका जियो जी मार्केट हो, या जो भी तरीके के प्लेटफॉर्म आज हमारे पास में ई कॉमर्स के लिए अवेलेबल है, और वो जिस तरीके की सेवाएं उपभोक्ताओं को दे रहे हैं उसमें भी क्वालिटी का निर्धारण होना जरूरी है। उनको अपना शिकायत प्रकोष्ठ को मजबूत करना पड़ेगा, कंप्लेन ऑफिस को मजबूत करना पड़ेगा, उपभोक्ताओं की शिकायत को विधिवत दर्ज करके उसको 7 डेज या 48 आवर के अंदर उसका समाधान करने की बात करनी पड़ेगी। आज उपभोक्ताओं को अदालतों के बजाय मध्यस्थता और सुलहनामे के माध्यम से, सुलह कार्रवाई के माध्यम से उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि आज अदालतों में चाहे वो उपभोक्ता आयोग हो, राज्य आयोग हो, जिला आयोग हो, केंद्रीय आयोग हो, उनके पास में बहुत पुराने मामले पड़े हैं। कहा जाता है कि 3 महीने में फैसला हो जाएगा, वो 3-3 साल तक भी फैसले नहीं हो रहे हैं। क्या ये सस्ता न्याय, शीघ्र न्याय और सुलभ न्याय उपभोक्ताओं को मिल रहा है? उपभोक्ताओं ने क्या उम्मीद की थी कि उनको ऐसे न्याय मिलेगा? आज उपभोक्ता संरक्षण परिषदों को मजबूत करने की जरूरत है, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को मजबूत करने की जरूरत है, उपभोक्ता आयोगों को मजबूत करने की जरूरत है, और उपभोक्ता संगठनों को मजबूत करने की जरूरत है। और इसके लिए इच्छा शक्ति सरकार की भी मजबूत होनी चाहिए और उपभोक्ताओं की मजबूत होनी चाहिए, उपभोक्ता संगठनों की भी इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए और नागरिक समाज की भी इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन ने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है उपभोक्ता जागरूकता के लिए, उपभोक्ता सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उसके हित समर्थन के लिए, उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आह्वान करते हैं देश के उपभोक्ताओं को कि वह अपने अधिकारों को समझे, अपने दायित्व को समझे और संवेदनशील उपभोक्ता बने। शिक्षित उपभोक्ता, संवेदनशील उपभोक्ता, संगठित उपभोक्ता अपने अधिकारों को हासिल कर लेता है, और जब तक उपभोक्ता संगठन मजबूत नहीं होंगे उपभोक्ता को न्याय नहीं मिलेगा। उपभोक्ता संगठन संवेदनशील भी होने चाहिए, संगठित भी होने चाहिए और शिक्षित भी होनी चाहिए। आज उपभोक्ताओं को और उपभोक्ता संगठनों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जिस लेवल पे अपडेट करना चाहिए वो आज भी नहीं किया जा रहा है। देश भर में उपभोक्ता क्लबों की जो स्थितियां है, स्कूल उपभोक्ता क्लब हो, यूनिवर्सिटी उपभोक्ता क्लब हो, चाहे आपके विश्वविद्यालय के उपभोक्ता क्लब हो, उनके हालात क्या हैं, हम यदि समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि केवल कागजों के अंदर उपभोक्ता क्लब चल रहे हैं, सामुदायिक उपभोक्ता क्लब चल रहे हैं। तो हमारे को उपभोक्ता क्लबों को भी मजबूत करना है, उपभोक्ता संगठनों को भी संगठित करके और उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए काम करना है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और एक हम बात करते हैं मध्यस्थता की। नए कानून में बात कही गई है धारा 74 के अंदर कि मीडिएशन के माध्यम से या सुलह कार्रवाई के माध्यम से उपभोक्ता विवादों का समाधान किया जाएगा। ये अच्छा प्रयास, हम इसको क्रांतिकारी प्रयास मानते हैं, जरूरी प्रस्ताव भी मानते हैं, जरूरी सरकार का और पार्लियामेंट का जो निर्णय है उसके भी हम इज्जत और सम्मान देते हैं। पर क्या ये मध्यस्थता कार्रवाई प्रभावी तरीके से काम कर पाएगी? सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अभी स्वयं सो मोटो कॉग्निजेंस लेके ये निर्णय करना पड़ा, राज्य सरकारों केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि वह अपने राज्यों में मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करे और उसमें पैनल मेडिसिन या आपके सुलह अधिकारियों को अपॉइंट करे। मेरी मान्यता है मध्यस्थता और सुलह कार्रवाई से 70% जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है, उपभोक्ता विवाद है, उसका समाधान बहुत राजी खुशी किया जा सकता है और लोगों में विश्वास भी पैदा होगा। जब तक उपभोक्ता में और निर्माता में, सेवा प्रदाता में आपसी विश्वास मजबूत नहीं होगा तब तक देश का समुचित विकास नहीं होगा। एक शब्द और महत्वपूर्ण है, ग्राहक और उपभोक्ता। ग्राहक वह व्यक्ति है जो ग्रहण करने योग्य वस्तु का ही उपयोग करता है, ग्रहण करता है। कहा जाता है कि हमें जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। हमारे जीवन में उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है
उन वस्तुओं और सेवाओं से हमको बचना चाहिए। क्या शराब हमारे लिए आवश्यक वस्तु है? क्या तंबाकू हमारे लिए आवश्यक वस्तु है? क्या ड्रग्स हमारे लिए आवश्यक वस्तु है? या अन्य नशीले पदार्थ हमारे लिए आवश्यक वस्तु है? यदि नहीं है तो हम अच्छे ग्राहक होने के नाते हमें ऐसी वस्तुओं का अपने विवेक से, अपने अनुभव से, अपनी बुद्धि और तर्क के आधार पर इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उपभोक्ता का विवेक जागृत करने का समय है। उपभोक्ता का विवेक भी जागृत करना जरूरी है। ये भी हमारे वक्त का तकाजा है, क्योंकि बाजार में सब तरह की चीजें उपलब्ध है। घटिया चीजें भी है, अच्छी चीजें भी है, हाई क्वालिटी की चीजें भी है, और घटिया से घटिया अप्रमाणिक वस्तुएं भी उपलब्ध है। ISO जो हम प्रबंधन व्यवस्था की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी की बात करते हैं, हम उसकी सेवाओं की गुणवत्ता की बात करते हैं, कंज्यूमर इंटरनेशनल की जब मैं चर्चा करता हूं, तो हमें विश्व व्यापार संगठन के सामने मजबूत प्रभावशाली कंज्यूमर इंटरनेशनल संगठन की भी जरूरत है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन बहुत मजबूत संगठन है और उसके सामने इंटरनेशनल कंज्यूमर की जो मैं बात कर रहा हूं, कंज्यूमर इंटरनेशनल जैसा मजबूत संगठन चाहिए। हालांकि वह 140 देश में कंज्यूमर इंटरनेशनल अभी काम कर रहा है, हमें मजबूत और होना चाहिए, प्रभावी भी होना चाहिए। दुनिया भर के व्यापार और उद्योग जगत में कंज्यूमर की वॉइस को सुना जाए, ऐसी हमें शक्ति और ताकत पैदा करना पड़ेगा। ये वक्त का तकाजा है। केवल उपभोक्ता संरक्षण कानून बना देने से उपभोक्ता को न्याय नहीं मिलेगा। पहले भी खाद्य अपमिश्रण कानून था, पहले भी आवश्यक वस्तु कानून था, पहले भी पैकेज एक्ट था, पहले भी और भी कई तरह के कानून उपभोक्ता हित के लिए बने थे। पर्यावरण संरक्षण कानून भी था, और उसके बावजूद भी प्रदूषण के जो हालात देश भर में है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। आज भी हिंदुस्तान में बहुत लोगों को शुद्ध पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। आज भी हिंदुस्तान में कुपोषण के बच्चे शिकार है। आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रम से जुड़े हुए हैं। आज भी बंधुआ मजदूरी इस देश में है, आज भी बाल श्रम है, आज भी महिलाओं को बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही है। यह उपभोक्ता के नाते, महिला उपभोक्ताओं के साथ में एक अन्याय है, और देश की आधी आबादी महिला उपभोक्ताओं की है। तो मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा महिला उपभोक्ताओं से, वह अपना आपको मजबूत करके दिखाए, अपना आपको संगठित करके दिखाए। आज यही वक्त का तकाजा है। हम उपभोक्ता संगठन को, उपभोक्ता के सभी वर्ग को, चाहे महिला प्रकोष्ठ हो, युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे शिक्षा प्रकोष्ठ हो, मानवाधिकार प्रकोष्ठ हो, पर्यावरण प्रकोष्ठ हो, चाहे BPL उपभोक्ताओं का प्रकोष्ठ हो, उन सबको विश्वास में लेके, हम उनको सबको साथ में लेके, संवेदनशीलता के साथ में, जागरूकता के साथ में उनको अपडेट करते हुए, न केवल कानून पे अपडेट करना है, हमें सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उपभोक्ता आयोगों को भी हमें विश्वास में लेना है। स्थायी लोक अदालत और आपके उपभोक्ता आयोग जिलों में काम कर रहे हैं, पर उनसे जितनी उम्मीदें कानून बनाने वाली संस्थाओं ने की थी और उपभोक्ताओं ने की थी, वह उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, मेरे मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ। आपने मुझे बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से सुना, उसके लिए महत्वपूर्ण बात है। उपभोक्ता दायित्व की भी इसमें बात की गई है, उत्पादक के जो दायित्व उसकी भी चर्चा की गई है, सेवा प्रदाता के क्या दायित्व है इसकी भी बात की गई है, और ई वाणिज्य की जब हमें चर्चा करना हो तो ई वाणिज्य के साथ साथ हमको ई कोर्स पे भी बात करनी पड़ेगी। आज भी देश भर में ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या अन्य सामाजिक जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से उपभोक्ता की शिकायत को न प्रशासन दर्ज कर पाता है और न ही उपभोक्ता आयोग दर्ज कर रहे हैं। जब तक उपभोक्ता आयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो शिकायत आती है उसको दर्ज करके सस्ता, शीघ्र, सुलभ न्याय नहीं देंगे, तब तक नए कानून का जो लाभ पार्लियामेंट देना चाहती है या सरकार देना चाहती है, वह उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिसके वो वाकई हकदार है। आज के दिन में पुनः 1,37 करोड़ देश के उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों से, अधिकारों के लिए संघर्ष का आह्वान करता हूं। और मेरी मान्यता है कि दुनिया में कई कानून आंदोलन के माध्यम से निकले हैं,
उपभोक्ता संरक्षण कानून भी आंदोलन का कानून है, महानरेगा कानून भी संघर्ष का कानून है, इसी तरीके से घरेलू हिंसा कानून भी, हम कहते हैं महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा कानून भी वह जन आंदोलन से निकला कानून है। तो आज के दिन उपभोक्ताओं को शिक्षित होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है और उस मुकाम को हासिल करना है जिसके वो हकदार है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, यकीन से, विश्वास से सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू प्रहलाद राय व्यास जी, आपने जो इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम सबसे बात की, अपना समय निकाल के आप यहाँ पे आए, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके बाद में भी इस विषय पे हमें मार्गदर्शन कीजिए। हम आईएलए में ग्रुप बना सकते हैं जिसका आप नेतृत्व कर सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल. इस विषय को थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, जितना ज्यादा हो सके लोगों हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फेसबुक लाइव पे तो इस पे कोई क्वेश्चन अभी इमीडिएटली नहीं है, बट फेसबुक लाइव ज्यादातर अगले 24 घंटे में असर दिखाता है, तो उसके ऊपर अगर किसी को, हमें आज फेसबुक पे जो ज्वाइन किया है उन लोगों से मैं विनती करती हूँ कि किसी को इस विषय पे कोई सवाल है, कुछ चर्चा करनी है, तो हम हमसे अवश्य जुड़े, हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मुझे मुझे खुशी है बताने को कि आज का ये हमारा कार्यक्रम यशस्वी रहा, और धन्यवाद आप सबको। थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे सुना और मुझे अवसर दिया, उसके लिए भी इंडियन लाइट एसोसिएशन का धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।